नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो CET को लेकर माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कोर्ट केस चले हुए उसके बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक कोर्ट केस है जिसका नंबर CWP 13370/2023 है, राहुल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा दर्ज का केस है। और इसमें आपकी कल हियरिंग थी जिसमें सुनवाई करते हुए जो हमारे जज साहब थे दीपक सिब्बल जी, उन्होंने अगली हियरिंग इसमें जो है 11 सितंबर दे दी है। 11 जुलाई को इसमें हियरिंग थी, अगली डेट 11 सितंबर 2023 दे दी है। और इसमें जो स्टेट काउंसिल HSSC है उसने रिप्लाई दायर करने के लिए, जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। एक तो ये केस था जिसकी हियरिंग कल थी, इसके अलावा एक और केस था जिसमें पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी, जिसमें पहले ही सरकार या फिर HSSC केस जीत चुकी है कि भाई CET को क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। पॉलिसी मैटर जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हम इसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते, लेकिन जब पुनर्विचार याचिका कोर्ट के अंदर लगाएगी तो कोर्ट ने पूछा सरकार से कि भाई क्यों ना जो पेटिशनर हैं उनको प्रोविजनल तौर पर मेंस में बैठने का मौका दिया और क्यों ना CET को क्वालिफाई किया जाए। तो यहाँ पर आयोग ने या फिर सरकार ने जो जवाब दायर करते हुए बोला है कि भाई लो मेरिट वाले जो कैंडिडेट हैं वो सरकार की भर्ती के जो नीति के अनुसार उसमें नहीं आ रहे। हमने जब रूल्स बनाए थे, जो पॉलिसी बनाई थी CET की, उसमें पहले ही मेंशन था कि 4 टाइम को ही जो है हम इसमें बुलाएंगे, तो ऐसा ना किया जाए। अपने रिप्लाई में जो है सरकार ने HSSC ने ऐसा बोला है कि भाई बिना मेरिट वालों पास आवेदकों को मौका देने के पक्ष में नहीं, सरकार पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की हाईकोर्ट से सरकार ने अपील की है। अब होगा क्या वो समय बताएगा। सभी आवेदकों को मौका दिए जाने की यहाँ पर एक याचिका के अंदर मांग की गई थी, लेकिन सरकार इसमें बार बार डिनाई कर रही। तो जो कैंडिडेट ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं कि भी CET को क्वालिफाई किया जाए, वो देख सकते हैं कि भी सरकार की या आयोग की इसमें कोई मंशा नहीं है कि भी CET को क्वालिफाई किया जाए। आयोग की तो नहीं कह सकते, सरकार की, क्योंकि पॉलिसी मैटर है, सरकार को ही पॉलिसी में बदलाव करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि भाई अगर अब हम इस पॉलिसी में कुछ बदलाव करते हैं तो भर्तियाँ जो कोर्ट केस में फंस सकती हैं। तो एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।